दिल मेरा दिल हरी मादल हरी मादल। सात वोट जब जाया होते हैं हफीज शेख साहब के तो उसको जायज समझा जाता है, जब मकाफात अमल में वही सात वोट जाया होते हैं गिलानी साहब के तो उसको नाजायज समझा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कल जो चंद लोगों ने वोट नहीं दिए, शायद वो नवाज शरीफ गद्दार वतन गद्दार पाकिस्तान नवाज शरीफ की उस वीडियो का भी रिएक्शन था जिसने एक मक्कार खातून एक झूठी खातून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी झूठ और लख बोलने वाली खातून डॉन लीग से लेकर रोज पहले तक के इंतजाम से नवाज शरीफ और उसकी साहबजादी साहिबा ने सिर्फ हमारे इदारों को मुल्की इदारों को चलाइन करने की कोशिश की, मुल्की इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। कल उनके ये चमचे उनके मदारी उनके दरबारी फरमाते हैं कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। खुदा ना खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, नारा नहीं लगाएंगे, नारा नहीं लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ पीएमएलएन के एमएनए इनके मुंह में जबान मरियम नवाज की है, इनके मुंह में जबान नवाज शरीफ की है। तुम लोग गद्दार वतन हो, 22 करोड़ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, खप्पे ना खप्पे से फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के मखरू गद्दार बदनाम डाकू चोर लुटेरे चेहरे नूर लीग के सबके सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में 1000-1500 किलोमीटर का समंदर था, आज तय हो गया कि पीएमएलएन एक इलाकाई एक सूबाई एक निस्तानी जमात के तौर पर सामने आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान एक दरेर लीडर एक ईमान रखने वाला लीडर इमरान खान साहब ने साबित किया कि ये सिंध के चोर ये उधर भी जाके इस्लामाबाद में डाका डाल सकते हैं। शक ही नहीं था, हमारी मेजोरिटी थी और तय हो गया कि अगर हम ओपन बैलेट की बात कर रहे थे तो वही मुल्क का मुस्तकबिल था। अब भी हम कहते हैं कि आपकी ये सांझे की हांडी चौराहे में फूट चुकी है। कोई किसी को न्यूट्रल याद दिलाता है तो कोई किसी को तंजीम साजी याद दिलाता है। कहना चाहिए कि पीडीएम की हांडी चौराहे में फूट चुकी है। अरे